मोटापे का वाहि इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के एक घंटे में 500 ग्राम से लेकर एक किलो तक वजन कम किया जाएगा नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एस पी एस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे कलर इम्प्रूवमेंट पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं एस पी एस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक हैदराबाद बिसाइड स्वीट हाउस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें चेयरमैन एटीन ए तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आज़म अली अलीमनाक हादसे में चार हिंदुस्तानी जिनमें दो हैदराबादी भी शामिल है टेक्सास में मुतद गाड़ियों के तस्म में हलाक हो गए जली हुई नाशों की शिनाख्त डीएनए और फिंगरप्रिंट के ज़रिए की गई मुतासरीन की मौत उस वक्त हुई जब उनकी एस को अन्ना टेक्साइस में हाईवे नंबर पचहत्तर पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे गाड़ी में आग लग गई कॉलिन कॉन्टी शरीफ के ऑफिस के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की शिनाख्त फारूक शेख हैदराबाद के आर्यन रघुनाथ लोकेश पालाचरला जो तेलगु भी है और तमिलनाडु के दर्शनी वासुदेवन के तौर पर की गई है जब यह हादसा पेश आया तो चारों मुतासरी ने बेंटनवेल के सफ़र के लिए कार पुलिंग के जरिए रब्ता किया था फारूक शेख जो बेंटनवेल में रहते थे फ़ारूक़ का ताल्लुक हैदराबाद बीएचएल से बताया गया है फारूक शेख के वालिद मस्तान वली ने बताया कि फ़ारूक़ अपनी एम एस की तालीम के लिए पिछले तीन सालों से अमेरिका में है और हाल ही में मुकम्मल किया है उन्होंने वसावी कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल की मस्तान वली एक रिटायर्ड प्राइवेट मुलाजिम है और ख़ानदान बी हैदराबाद में रहता है आर्यन के वालिद सुभाष चंद्र रेड्डी हैदराबाद के कोकटपल्ली में मैक्स एग्री जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है इस ख़ानदान का ताल्लुक असल में रायचोटी से है लेकिन वो निज़ामपेट हैदराबाद में आबाद है आर्यन ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री अमृता विश्वविद्यालय विद्या पैथेमन से मुकम्मल की वालदे मई 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डेलास में उनके कॉन्वोकेशन के लिए अमेरिका में थे कॉन्वोकेशन के बाद आर्यन को हिंदुस्तान वापस आने को कहा गया लेकिन उन्होंने अपने वालदे को बताया कि वो मज़ीद दो साल अमेरिका में काम करना चाहते हैं और फिर वापस आना चाहते हैं लेकिन बदकस्मती से यह हादसा पेश आया सुभाष के ख़ानदान के एक मेंबर ने बताया